अगर कोई व्यक्ति गलत या असामान्य तरीके से खाना खाता है तो इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति बहुत अधिक तनाव में है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा हंसता है वह बहुत ज्यादा रोता भी है। हर खूबसूरत लड़की को देखकर लड़के ये सोचते हैं, काश ये मेरी गर्लफ्रेंड होती। मनुष्य का दिमाग आधे से अधिक समय केवल पुरानी यादों को ही दोहराता रहता है। जब कोई लड़का आपको पसंद करता है तो आप क्या चाहते हैं वह उसमें भी रुचि रखता है। लड़कियों को किसी को सलाह देना पसंद है, लेकिन उन्हें किसी से सलाह लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। जो इंसान अपने आप को मजाक में भी गरीब बोलता है वह वास्तव में कभी अमीर नहीं बन पाता। जो इंसान किसी भी बात को घुमाने में माहिर होते हैं वे इंसान मानसिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं। जो व्यक्ति सफेद कपड़े पहनता है उसका मन बहुत ज्यादा शांत रहता है और उसके विचार हमेशा सकारात्मक रहते हैं। जब भी हम चीखते हैं तो उस दौरान हम कुछ समय के लिए मर जाते हैं। महिलाएं अपने पूरे जीवन के 4 साल मासिक धर्म में गुजार देती हैं। जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं उनमें हार्ट अटैक और आत्महत्या की आशंका ज्यादा बढ़ जाती है। मनुष्य की आंख की आईब्रो में लगभग 550 बाल होते हैं। एक मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में 2.5 लाख बार उबासी लेता है। नींद से उठने के बाद हम नींद में देखे गए 90% तक सपने भूल जाते हैं। अगर आप प्याज काटते समय च्युइंगम चबाते हैं तो आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। मनुष्य के शरीर की त्वचा पूरे जीवन काल में 800 से 900 बार बदलती है। बुद्धिमान लोगों को सामान्य बुद्धि वाले लोगों की तुलना में जल्दी गुस्सा आता है। एक मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में 25 साल सोने में गुजार देता है। अगर आप जरूरत से ज्यादा सोते हैं तो आपका मन और ज्यादा सोने के लिए करता है। जो लोग दूसरे को ज्यादा सलाह देते हैं वही परेशानियों से घिरे होते हैं। एक खुश रहने वाले आदमी को कई लोग कई दिनों तक याद रखते हैं। सपने तभी आते हैं जब हम सोते समय अपने दिमाग को रिलैक्स कर देते हैं। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो एक सिगरेट आपके जीवन के 11 मिनट कम कर देती है। दुनिया में 18 से 33 साल के लोगों की जिंदगी सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल रहती है। यदि किसी व्यक्ति को आप अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं तो इसके 90% चांस है कि वो आपको याद कर रहा होगा। नकारात्मक भावनाओं को महसूस करने से आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होती है। अगर कोई लड़की आपसे सच्चे दिल से प्यार करती है तो वो आपके लिए किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे वह अपने माता पिता से लड़ाई क्यों ना करनी पड़े। मनोविज्ञान के अनुसार भावात्मक दर्द लगभग 12 मिनट तक रहते हैं। उससे ज्यादा देर तक दर्द को हम स्वयं ही सोच कर बढ़ाते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके पास किसी दूसरे की चुगली करता है तो वह कहीं ना कहीं आपकी भी किसी और के सामने चुगली करता होगा। अगर कोई लड़का किसी लड़की को देखकर यह फील करता है कि वह उसकी लाइफ में स्पेशल है तो 90% चांस है कि वह लड़का उस लड़की को पसंद करता है। सच्चे दिल के लड़के और लड़कियां किसी के काम को ना नहीं कह पाते। यदि वे किसी काम को ना कह देते हैं तो अंदर ही अंदर उन्हें खुद में बुरा महसूस होता है। सच्चे लवर का दिल टूटने से उसे भयानक शारीरिक दर्द का सामना करना पड़ता है। इस अवस्था को स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। अगर आप पहली बार कहीं नई जगह घूमने जाते हैं तो आप बहुत ज्यादा तरोताजा महसूस करते हैं और आपके अंदर एक सकारात्मक भाव पैदा हो जाता है। जब कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है तो वह लड़का उस लड़की के आसपास से या उसके दोस्तों से उसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है। अगर कोई लड़का आपको पसंद करता है तो वह जिस तरह से आपके साथ बात करता है वह दूसरों के साथ बात करने में बिल्कुल अलग होगा। लड़के किसी से भी अपने दिल की बातें बहुत जल्दी शेयर नहीं करते, लेकिन जिससे भी ये अपने दिल की बातें शेयर करते हैं वह इंसान उनकी जिंदगी में हद से ज्यादा इम्पोर्टेंसी रखता है। अगर आप अचानक बिना वजह उदास हो जाएं, तो इसका अर्थ यह है कि जरूर आपके साथ कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि गलत होने के कुछ वक्त पहले ही आपका दिमाग आपको संकेत देने लगता है। जो लड़कियां बहुत ज्यादा सोती हैं वे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी तकलीफ में है या अपने दिल पर लगी किसी बात से नाखुश हैं और उसी बात को सोचकर वे काफी दुखी हैं। यदि आप अपने किसी खास दोस्त या रिश्तेदार से मुलाकात करने जा रहे हैं तो खाली हाथ न जाएं। अपने साथ छोटा सा ही लेकिन कुछ उसके लिए लेकर जरूर जाएं। इससे आप प्रभावशाली दिखेंगे। आकर्षण के नियम के अनुसार आपका विश्वास आपकी सोच होती है वही हकीकत का रूप ले लेती है। इसलिए जीवन में सकारात्मक रहने का प्रयास करें ताकि आपका जीवन खुशहाल बना रहे। जो व्यक्ति बिजी रहता है वह खाली रहने वाले लोगों की तुलना में बहुत कम तनाव में रहता है। इसके साथ ही वह मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहता है क्योंकि खाली दिमाग में नेगेटिव विचार ज्यादा आते हैं। अगर रात में सोते वक्त अगर किसी व्यक्ति की आंखें कई बार खुलती है और बंद होती रहती है तो इसका अर्थ यह है कि वे व्यक्ति काफी परेशान है, क्योंकि यह तभी होता है जब हम किसी बात से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। जब भी आप किसी समस्या पर फोकस करते हैं तो आपको समस्या ही दिखाई देती है, और अगर आप उस समस्या को हल करने के बारे में सोचते हैं तो आपको उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी।
मनोविज्ञान के अनुसार माथे के बीच जहाँ लड़कियाँ बिंदी लगाती है, अगर उस पॉइंट पर हम तर्जनी उंगली को मात्र 25 सेकंड तक धीरे धीरे गोल गोल घुमाते रहें, तो हम पिछले 48 घंटे की कोई भी भूली याद उजागर कर सकते हैं। अगर कोई लड़की एकदम से कुछ दिनों से साइलेंट है, इसका मतलब यह है कि उसके साथ उसकी उम्मीद के विपरीत किसी ने जरूर कुछ बहुत ज्यादा ही गलत किया है, जिसके कारण वह अंदर ही अंदर खुद को खो चुकी है। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी पत्नी से कोई बात मनवाना चाहते हैं, तो उस बात को कहने के 48 घंटे पहले से आप उनकी ज्यादा देखभाल करना शुरू कर दें, क्योंकि इससे 80% चांस बन जाता है कि वह आपकी बात मान जाएगी। यही बात लड़कों पर भी लागू होती है। लड़कियों के मन में कोई भी बात नहीं फंसती, ये बात 100% सच है, क्योंकि लड़कियां 47 घंटे से ज्यादा सीक्रेट बातें अपने पास नहीं रख सकती, इससे पहले ही ये दूसरे को शेयर कर देती है। क्योंकि बातों पर जल्दी विश्वास ना करें, क्योंकि ये लड़कों से ज्यादा झूठ बोलती है। कोई भी व्यक्ति दिन की बजाय रात को आसानी से रो सकता है, पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक पलके झपकाती हैं।